हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए स्वास्तिक, मतलब स्वास्तिक कल से परेशान है कि मौसी वीडियो बनाइए। एक्चुअली मैंने कल पूरा दिन नहीं बनाया और मैं आज अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, तो अभी तो सब नहा धो के रेडी हो गया। एंड ये देखिए, बहुत दिन बाद मैं अमीनाबाद का रस खा रही हूँ, जो कि केजी के अकॉर्डिंग मिलता है अमीनाबाद, मतलब लखनऊ के जितने रहने वाले उन लोग को पता होगा कि अमीनाबाद में वर्मा जी की दुकान है, वहाँ पे ये मिलता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होता। और ये देखिए घुस रहा है, इसको वीडियो में आना रहता है। और मतलब कल रात में मुझे स्टोरी सुना था, मैंने वीडियो नहीं बनाया कल ही मुझे स्टोरी। हम और स्वास्तिक 3 बजे सोए थे ना, स्वास्तिक तो बहुत अच्छे से सोता है, चिपक के। टेडी बियर है ना सर, और कल से कह रहे मौसी वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी स्टार्ट करती हूँ। और आज हम लोग जो कि बैटर मैंने पीस के रख दिया, अभी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या डाला है। तो फिलहाल मैं अपना नाश्ता पहले कर लेती हूँ, और सिंपल सा नाश्ता है, ब्रश है, ब्रेड है, चाय है। कभी कभी एक तो इतना ऑयली खा के मन नहीं हो रहा है। कल भी हम लोग ने ऑयली बनाया था, कल क्या बनाया था, चाय, मतलब चिप्स तल ले रहे तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जा रहा। हम लोग ने आज सोचा था ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे, बट नहीं, मैंने कहा नहीं, हल्का ही नाश्ता करना है। एंड वह कल है बट सावित्री है ना, तो मैं तो यहाँ अर्जुनगंज आई थी, अब आज रात में हम जाएंगे, फिर वहाँ पे कल सुबह बट सावित्री की पूजा करनी है, और आज सारा शॉपिंग करना, सामान लाना है। तो बस फिलहाल मैं अपना इंजॉय करती हूँ नाश्ता। और ये देखिए भेल, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, सिंपल सी मार्केट की है। तो ये खाएंगे नमकीन में, एंड रस, ये चाय, ये मेरी गुड़ की चाय होती है। एंड जब से गृह प्रवेश हुआ ना, तो ये चल रहा, हम लोग इसी में खाते हैं। ये ऑलरेडी इतनी गर्मी लगती है, तो मैंने आज क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। किचन में आप रोटी बनाइए, ऑलरेडी बहुत गर्मी लगती है, पसीना दे। और तो मैंने क्या बनाया मैं आपको, नहीं बनाया कढ़ी, इसमें राइस, अभी मैंने सबको रोटी दे दिया, राइस नहीं। एंड ये मैंने तल के रख लिया है शाम के बतासे के लिए, ये बतासा खाना है। हाँ, उधर वो देखिए सब बैठ के खा रहा है। अभी 2 दिन से ये डिस्कशन चल रहा है, इलेक्शन का क्या रिजल्ट आ रहा, तो ये सब डिस्कशन चल रहा है वहाँ। बहुत मतलब सॉरी, इतना ज़्यादा मेरा पसीना निकलता फेस पे, मेरा फेस ऐसे ही क्लीन हो जाता साफ। तो मैंने बतासे की पूरी तैयारी कर ली है, तो सिंपल ही है, कुछ ऐसा नहीं कि मैंने रेसिपी नहीं डाली है। और मैंने डोसे की भी तैयारी की, रात में बनाएंगे। तो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य को पसंद है, मैं ये देखिए बतासा जो रेडीमेड आता, बट ये ऑयल ज़्यादा नहीं सोखता है। मैं अमीनाबाद में एक है सरदार जी कुदगन, उन्हीं के यहाँ से मंगाते ये बतासा। एंड ये इमली का पानी है, अनियन, एंड ये मटर है, इसमें मैंने जीरा मिर्च सब कुछ डाल के चटपटा सा बना दिया है। और ये देखिए सब बैठ गए खाने, बतासा खाना है। और ये स्वास्तिक को बिल्कुल नहीं पसंद। हेलो गाइस कर दो। और स्वास्तिक बिल्कुल भी बतासे नहीं खाता है, मोनी को बहुत पसंद है, डेली चाहिए डेली। तो इनके जीजा जी इसको बतासा नहीं खाना है, स्वास्तिक को नहीं खाना है। एक्चुअली इतनी अच्छा, धीरे स्वास्तिक धीरे रो, कैसे रोते हैं धीरे बता दो। स्वास्तिक बहुत तेज रोता था, तो मैंने सिखाया कैसे रोते हैं धीरे। ये स्वास्तिक, ये देखो पूरा कूड़ा कर दिया, ये पूरे पत्तल को। आज स्वास्तिक से झाड़ू लगवाएंगे, मोनी लेके आई है। और पता है, ये देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ, आप सबको देखिए, सब सोच रहा मैं कब मैं खिलाऊंगी, स्वास्तिक को नहीं खिलाऊंगी। स्वास्तिक सो जाओ, उसको मत दो, उसको मत दो। क्या बोलोगे, और
स्वास्तिक तुम्हें नहीं मिला? स्वास्तिक तुम्हें नहीं मिला? देखो तुम्हें नहीं दी, तुम्हें नहीं दी, देखो सबको दे दी। गुस्सा हो गुस्सा हो गया। ओ ओ लो चलो लो जल्दी। ओके अब खा के बताओ कैसा है। ये गंदगी की है मां, ये पूरा गंदा कर दिया। सब लोग ने बतासा खा लिया था एंड अब हम लोग बैठे थे। उसके बाद ये देखिए तो सबके लिए आया क्रीम रोल। तो ये देखिए आजकल क्रीम रोल भी फ्लेवर में आ रहा, चॉकलेट फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर एंड मैंगो फ्लेवर, ये देखिए। और ये इतने अच्छे पैकिंग में दे रहे हैं और साथ में ये बहुत दिन बाद हम लोग केक खाएंगे और एगले से, ये हम लोग एक वाला नहीं खाते हैं। तो बस हम लोग की पार्टी चल रही है, अभी हम लोग ने बतासा खाया एंड ये। और स्वास्तिक का फेस देखिए सब लोग, स्वास्तिक को नहीं मिलने वाला नहीं, स्वास्तिक के लिए तो आया ही नहीं है। ठीक है आप ले लो ले लो ले लो। तो मैंने सबके क्रीम रोल सामने रख के वीडियो बना रही थी एंड फोटो क्लिक कर रही थी और जैसे मेरा वीडियो बन गया सब ने फटाफट अपने क्रीम रोल उठा लिए थे। सब वेट कर रहे थे जब मैं वीडियो बनाती हूँ, सब वेट करते जल्दी से वीडियो बने तो मैं उठा के फटाफट खाऊँ। तो हम लोग ने ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत खा ली थी। तो डोसा मैंने एक ही खाया था लेकिन डोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। दूसरे दिन मेरा व्रत रहेगा तो मैं खा नहीं पाऊँगी क्योंकि तेल हल्दी सब मुझे खाना है। तो मैंने वैसे एक ही डोसा खाया, मन भर गया था, पेट भी भरा हुआ था। अच्छा लगता है एंड ये देखिए सफाई करना, ये देखिए मतलब हम लोग पूरा दिन सफाई करते हैं, ये देखिए। और ये देखिए इधर न्यूज चल रहा है, जब तक मोदी जी शपथ नहीं ले लेंगे तब तक न्यूज। खाते सब लोग हैं एंड उसके बाद हम लोग को सफाई करनी पड़ती है। मेरा बेटा करता है, अभी ये देखिए मेरा बेटा मतलब झाड़ू पोछा इन लोग के जिम्मे, इन लोग कुछ करते हैं, बच्चे करते हैं, लेकिन था बहुत ज्यादा टेस्टी। क्योंकि क्रीम रोल मैं नहीं खाती थी क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट ये अच्छा था, बहुत ज्यादा मुझे क्रीमी क्रीमी नहीं पसंद, अच्छा लगा यार। और ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं था, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं था, मतलब मुंह में जो लगता था नहीं लग रहा है, क्रिस्पी और टेस्टी। तो बहुत दिन के बाद मैंने कहा और केक भी बहुत अच्छा लगा, एक एक खा लेती। और एक ये है बंदर, लड्डू भैया, लड्डू भैया, लड्डू नहीं है बंदर। तो इस सीजन की पहली लीची सब खा रहा है ना हिमांशु को, आज सीजन में पहली बार अभी आया है ना। आम उतना अच्छा नहीं बट आम चढ़ाना था। कैसा लग रहा नू? अब बच्चे सारे वहाँ वीडियो देख रहे हैं कमरे में, देखिए बंद करके बाजी। चलो हम लोग लीची खाते हैं, जो सोता है वो खोता है। एक प्लेट और ले आ। किनारे किनारे भर गया। हम लोग ने लीची खा लिया तो उसके एक दो घंटे बाद ये डोसा मैं बना रही थी। तो ये देखिए मैंने बैटर भी भिगोया था जो कि बढ़ गया था अच्छे से, सुबह ही मैंने पीसा था। इधर मैंने चॉपर में प्याज टमाटर कट कर लिया था, आलू बना लिया था और ये बनाया था सांभर। तो मैं रायता मैंने कम ही बनाया था और सबको दे दिया था क्योंकि ज़्यादा कोई खाता नहीं है। तो आलू मैं मसाले ही डाल के बनाती हूँ और इसकी प्रॉपर रेसिपी मैं पहले भी कई बार डाल चुकी हूँ डोसे की, इसलिए मैंने नहीं आज बनाया। प्याज टमाटर को मैं चॉपर में कट करके ऊपर से डालती हूँ, किसी को ज़्यादा खाना होता है किसी को कम, इसलिए मैं ऊपर से डालती हूँ जिससे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एंड मैंने सबको दे दिया है, एक बार लाइन सबको बैठा देती हूँ, फटाफट बनता है और डोसा बहुत ही ईजिली बहुत जल्दी बना, तो बहुत ही क्रिस्पी बना था क्योंकि गर्मी के टाइम में तो खमीर अच्छे से उठ गया
था, मैंने रात में भिगोया था, सुबह ही पीस लिया था। तो मैंने उड़द की दाल, 3 चावल लिया तो 1 उड़द की दाल, थोड़ा सा मैंने चने की दाल ली थी, उन सबको रात में भिगोया था, सुबह अच्छे से धुल के उसको पीस लिया था। तो इससे मेरा खमीर अच्छे से उठ गया था। तो इधर ये देखिए सब लोग अपना न्यूज़, जब तक मोदी जी शपथ नहीं लेंगे तब तक सबका न्यूज़ चलता रहेगा। उधर मैं सबको बना बना के डोसा देती जा रही थी और सब लोग खा रहे थे। आज पूरा दिन बस हम लोगों ने अच्छी अच्छी चीज़ें खाई है और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। तो बस मैं आज अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन में कमेंट करना बिल्कुल मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।